हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद सिल्वी। आज मैं बताऊंगी आपको इडली की रेसिपी, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ, नहीं तो सांबर के साथ। सांबर की रेसिपी जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। आज मैं बना रही हूँ स्टफ्ड इडली और प्लेन इडली, जिसके लिए मुझे चाहिए 6 मीडियम साइज के आलू, 2 इनो के पैकेट, कुछ पत्ते, कड़ी पत्ता, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1/4 चम्मच नमक हमें अलग से चाहिए, जिसे हम अलग से सूजी में मिक्स करने वाले हैं, 4 छोटी प्याज कटी हुई। मसालों में हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार स्टफिंग के लिए, 1 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच अमचूर, 1 टीस्पून हींग, 1 चम्मच सरसों, आप इसकी जगह राई भी यूज़ कर सकते हैं, और हमें चाहिए तेल। साथ के साथ हमें चाहिए 2 कटोरी सूजी और 1.5 कटोरी दही और पानी आवश्यकता अनुसार हम यूज़ करेंगे। तो आइए बनाते हैं हमारी प्लेन और स्टफ्ड इडली का पहले बैटर। सबसे पहला स्टेज है कि मैंने जो सा दही और सूजी है, जो दही और सूजी और साथ में जो मैंने जो 1/4 चम्मच नमक आपको अलग से रखवाया था, उसको डाल देना है और इसे देना है क्विक स्टर, और फिर हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डालेंगे। इसमें हम पानी डालना स्टार्ट करेंगे और एकदम से नहीं डालना है सारा पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी तक। ये देखिए, इसमें तकरीबन एक नॉर्मल मीडियम ग्लास पानी का जा चुका है, 200 ml के करीब। ये देखिए रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ये है। अभी आपको थोड़ा सा ये बैटर थोड़ा सा पतला रहेगा, क्योंकि ये बाद में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी रह ले तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं तो हाफ एन आवर प्रेफर करती हूँ। हाफ एन आवर इसको रहने देना है, तो ये फूल जाएगी सूजी और सारा दही और पानी चूस लेगी। तो आइए आगे की तैयारी करते हैं, अपनी आलू की स्टफिंग। आइए बनाते हैं आलू की स्टफिंग। ये आलू की जो स्टफिंग है वो प्लेन इडली के बैटर में ही डल जाएगी, तो हमारी बन जाएगी वो स्टफ्ड इडली। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक कड़छी के करीब मैंने लिया है तेल। इसमें सबसे पहले जाएगी मेरी सरसों और हींग। सरसों और हींग डालने के बाद हम डालेंगे इसमें कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च, और इसे देंगे एक क्विक स्टर। एक क्विक स्टर देने के बाद हम डाल देंगे इसमें कड़ी पत्ता, और हम डालेंगे हमारे प्याज, प्याज डालने के बाद हम इसे करेंगे अच्छे से स्टर, जब तक कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। इट विल टेक लाइक 2-3 मिनट। अब इन प्याज का कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम मैं अपने बाकी मसाले डाल दूंगी इसमें और इसे फिर से मिलाऊंगी। 2 मिनट सिर्फ मुझे इन मसालों को पकाकर अपना मैश आलू डालना है, बस इसे 2 मिनट लगेंगे, मुझे मसालों को सिर्फ पकाना है और फिर इसमें डाल देना है अपने मैश पोटैटो। इसमें गए ये मेरे मैश पोटैटो, जिनको मैं अच्छे से अब मिक्स कर लूंगी, और अपना मेरा मिक्सचर तैयार है स्टफिंग का। ये लीजिए, मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से और ये मेरी स्टफिंग अब तैयार है। तो आइए अब बनाते हैं हमारी इडली। सबसे पहले हमने इडली वाला सांचा तैयार करना है, उसमें मैंने डालना है थोड़ा सा पानी, और जो इडली वाली ट्रे है उसमें मैंने करना है अच्छे से ग्रीस, ताकि ये मेरी चिपके नहीं इडलियाँ बनाने के टाइम में। ऐसे मैंने अपनी दोनों ट्रेस को तैयार कर लिया है। अब मुझे बैटर में एक काम करना है। इस बैटर में सबसे पहले मुझे सर्व करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो करनी है, इसे बनाने से पहले एकदम पहले ही मुझे इनो डालना है। इसको पहले से डाल के नहीं रखना, नहीं तो ये एकदम उड़ जाएगा इसका इफेक्ट। मैंने दोनों पैकेट अपने इनो के डाल दिए हैं और इसे मैंने अच्छे से अब करना है मिक्स।
अब देखिए सूजी भी हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी में आ गई है। पहले आपको पतला लग रहा होगा बैटर, अब हमारी सूजी फूल कर बिल्कुल रेडी है इसका बैटर। तो आइए बनाते हैं हम अपनी कुछ प्लेन इडलीज और कुछ स्टफ्ड इडलीज। प्लेन इडली के लिए सिर्फ मुझे बैटर ही अपना डालना है, एक एक चम्मच के करीब। और दूसरा सांचा मैं तैयार कर लूंगी अपना स्टफ्ड वाले का। स्टफ्ड के लिए देखिए हमें क्या करना है, कि पहले मुझे सिर्फ आधा चम्मच, याद रखिए हमने प्लेन के लिए पूरा चम्मच डाला था, आधा चम्मच ही हमने इडली का बैटर डाला। फिर हमने अपने छोटे छोटे ये देखिए बॉल्स बना के रखे अपने स्टफिंग के सेंटर में। ये देखिए बॉल्स बना के रखे हैं मैंने अपनी स्टफिंग के, इसे सेंटर में डाल के हल्का सा प्रेस करेंगे। अब बैटर इडली का अभी पहले ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा कि वो फट जाएगी इडली और सही नहीं बनेगी। ये डालने के बाद हमने इसको जब प्रेस कर दिया, अब इस पर हमने जो सा आधा चम्मच और अपना डालना है इडली का बैटर। दो अलग अलग, लेकिन ये याद रखिए इनको टाइम थोड़ा सा अलग लगेगा, कि इसको लगेंगे तकरीबन पौने पाँच मिनट, चार मिनट चालीस सेकंड के करीब, और जो सी प्लेन इडली है उसको बनने में कम टाइम लगता है, इसको लगता है चार मिनट बीस सेकंड। तो आप बारी बारी से बनाइए, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक ही सांचे में डाल रहे हैं तो चार मिनट बीस सेकेंड के बाद आप अपना ये वाला सांचा ढककर अलग से रख देंगे, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं कोई भी इडली हम बनाते हैं, चाहे उसको भी चार मिनट चालीस सेकंड लगने हैं या इसको चार मिनट बीस सेकंड लगने हैं, इसको हीट में ही स्टीम में ही रहने देना है थोड़ी देर। कहते हैं कि चार प्लेन बने चार दूसरी बने, तो आप क्या करेंगे कि चार मिनट बीस सेकेंड के बाद या पच्चीस सेकेंड के बाद आप अपना ये वाला सांचा निकाल देंगे और दूसरी वाली इडली को बीस से तीस सेकेंड और चलने देंगे। ये देखिए मैंने अपना सांचा तैयार कर दिया है, मैंने इसमें लगाई है स्टफ्ड इडली जिसको मैं चलाऊंगी 4 मिनट 40 सेकंड के लिए और 10 मिनट स्टीम में ही रहने दूंगी। माइक्रो नॉर्मल चलाना है आपको, कोई सेटिंग्स नहीं है इसमें। ये देखिए इसे सांचे से निकालने के लिए आप थोड़ा सा ऐसे साइड छुड़ाएंगे, और फिर ये आराम से निकल आएगी आपकी इडली। इसको निकालने के लिए क्या कीजिए कि आप हल्का सा ऐसे साइड छुड़ाएंगे, और फिर एक बड़े चम्मच से आप इसको निकाल देंगे। बहुत आराम से ये निकलती जाएंगी, कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। तो आइए इसको प्लेटिंग करते हैं इसकी। लीजिए एकदम तैयार है हमारी प्लेन एंड स्टफ्ड इडली, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं अपने मनपसंद की चटनी के साथ। तो ज़रूर बनाइए, मेरी ये होममेड रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम आपकी दोस्त।